morning, class 9 chemistry का chapter number 1 और lecture number 14. ये हमारा इस chapter का last topic है chemical calculation. Topic 1.5. इसका हम सबसे पहले पढ़ेंगे calculation of moles and moles are given mass of substance 1.51. इसका पहला इसके chemical calculation का topic है. ठीक है, इसका पहला point कि हमने क्या है किसी भी जो सब्सटेंस है उसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है या फिर जो जब उसका गिवन मास दिया होगा तो उसके लिए हमने आपकी बुक में हमने न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे. आज मैं आपको बताऊंगी पहले इसके फार्मूला क्या है हम यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए. अगर हमें गिवन मास दिया होगा तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे तो हमने उसका मास कैसे फाइंड करना है. तो सबसे पहले देखिए कैलकुलेशन ऑफ मोल्स इन गिवन मास ऑफ सब्सटेंस के हमने क्या कहा है नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है गिवन मास ऑफ किसी भी सब्सटेंस का. क्या हमें जब मास दिया होगा हमने उसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है. तो देखिए मास ऑफ सब्सटेंस उसको हम किससे ज्यादा रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से, और मास को हम किस चीज में मेजर करेंगे ग्राम्स में, इसका यूनिट भी क्या आप लेंगे ग्राम. मोलर मास ऑफ सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस हो उसका हम क्या लेंगे मोलर मास, उसको हम कैपिटल एम से शो करेंगे. उसका यूनिट हम उसमें यूज को मेजर किस में करेंगे ग्राम पर मोल में, इसका यूनिट हम यूज करेंगे. नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स, उसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे. इसके लिए हमें जो फार्मूला हमने यूज करना है वो कौन सा है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, मतलब हम किसी भी सब्सटेंस का जो मास लेंगे हम किस में लेंगे ग्राम्स में लेंगे, डिवाइडेड बाय क्या होगा मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर मोल. जो मोलर मास लेंगे हम किसी भी सब्सटेंस का हम किस में लेंगे ग्राम पर मोल में. ये था फार्मूला जिसकी मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स और किसी भी सब्सटेंस का मास जो है इन ग्राम्स में. आगे देखिए यहाँ पे देखिए ये अगर हम नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होगा, तो देखिए हमने मास को किस में लिया है ग्राम में लिया है, मोलर मास हम किस में लेंगे ग्राम पर मोल में. तो ग्राम ग्राम के आपस में कैंसिल हो गए, ये मोल के यहाँ पे क्या है माइनस वन, जब ऊपर गया तो मोल्स रह गया. इसी तरह जो यूनिट होगा इसका नंबर ऑफ मोल्स का वो क्या है मोल्स आ जाएगा. नेक्स्ट हमको हम एग्जाम्पल लेते हैं कि उसकी मदद से हम ये कहते हैं कैसे हम क्या नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस के फाइंड कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 12 ग्राम ऑफ वाटर है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे. देखिए तो यहाँ पे हमने मास दिया क्या है हमारे पास सब्सटेंस का है वाटर हमारी जो उसका क्या है 12 ग्राम ऑफ मास, मास ऑफ वाटर कितना है 12 ग्राम. अब इसका मोलर मास क्या होगा हमने देखे फार्मूला उसमें हमें तीन चीजें चाहिए होती है, एक तो हमने फाइंड करनी है नंबर ऑफ मोल्स, दो बाकी दो चीजें हैं कि गिवन मास और मोलर मास. गिवन मास हमें अगर दिया हुआ है मोलर मास हम फाइंड करेंगे, इसके बाद हम जो थर्ड चीज है वो भी क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे. अब देखिए यहाँ मास ऑफ वाटर क्या है 12 ग्राम, इसका मोलर मास क्या होगा वाटर का हमें पता है, ये कैलकुलेट करेंगे कि वो 16 इसका एटॉमिक मास है, इसका क्या है प्लस हाइड्रोजन 2 प्लस हम क्या 80 ग्राम पर मोल, ये इसका क्या आ गया मोलर मास. अब हम इस फार्मूला में इसको पुट करेंगे, देखिए मास क्या है 12 ग्राम और मोलर मास क्या है 18 ग्राम, जब इसको हमने डिवाइड किया तो क्या है 2/3 आ गया, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया मोल, जब हमने इसको डिवाइड किया तो 0.66 ये क्या है कोई वैल्यू आएगी, हम इसको एक लिमिटेड वैल्यू में लिख लेंगे 0.67 कर लेंगे. तो ये कितने इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.67 मोल्स. तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि 12 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे 0.67 मोल्स, इतने नंबर ऑफ मोल्स किसी भी 12 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल में होंगे. ये थे देखे ये आपको एग्जांपल से आगे हम देख लेंगे. अगर हमें किसी का मास फाइंड करना हो यहाँ पे ये आया है वो उसके लिए हमें क्या कैसा फार्मूला यूज करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं 1.3. तो यह आपके बुक में एग्जाम्पल है 1.3. देखिए इसमें कैलकुलेट दी मास इन ग्राम्स ऑफ 0.1 मोल ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट. इसमें क्या कहा गया है कि मास जो है पोटेशियम परमैंगनेट का क्या है मोल मास फाइंड करनी है, जब उसका मोल कितने होंगे 0.1 मोल होंगे. तो देखिए हमें मास नहीं दिया गया, हमें मास को क्या करना है फाइंड करना है, हमें यहाँ पे क्या दिए गए हैं मोल्स दिए गए हैं पोटेशियम परमैंगनेट के. तो सबसे देखिए पहले हमने वो फार्मूला देखे उसमें तीन चीजें थी, एक हमें क्या मोलर मास क्या हमने फाइंड करना है, मोल्स क्या नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हैं, मास को हमने फाइंड करना है और इस मोलर मास हम उसका खुद फाइंड करेंगे. तो मोलर मास ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट का क्या है हमें पता है 39 क्या है उसका, पोटेशियम क्या है एटॉमिक मास इसको 1 के यहाँ पे पोटेशियम 1 है इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई
आगे प्लस करते जाएंगे, मैगनीज वन है उसके 55 क्या है एटॉमिक मास, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16, उसको हम यहाँ पे देखें ओ फोर है, इसका क्या मतलब है कि फोर ऑक्सीजन है जो इसके अंदर, तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 16, तो देखिए 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64, 55 का 55 आएगा 39 मल्टीप्लाई 139, अब इनको हमने प्लस किया तो क्या आ गया 158 ग्राम पर मोल, ये क्या आ गया पोटेशियम पर मैग्नेट का मोलर मास। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, नंबर ऑफ मोल्स भी आ गया और क्या है मोलर मास भी आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने हैं 0.1 मोल्स, मास कितना है इन मास इन ग्राम ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट 158 ग्राम। पीछे हमने एक आपको लेक्चर में पढ़ा है कि जब ग्राम को हम लेंगे नंबर एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास, किसी भी चीज को हम जब ग्राम से लेंगे वो क्या होगा 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का क्या होगा वो एटॉमिक मास। तो यहां पे क्या है मास इन ग्राम ऑफ पोटेशियम मैग्नेट, मतलब पोटेशियम मैग्नेट का क्या है मास इन ग्राम में 158 ग्राम। आगे हमने फार्मूले में क्या है वैल्यूज पुट किए, फार्मूला देखें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, ये मास मोलर मास हमने फाइंड किया करना है मास, तो यहाँ पे मोलर मास को हम वहाँ पे देख रहे हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मास है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे देखें 0.1 नंबर ऑफ मोल्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास कितना है 158 ग्राम, मोल्स मोल्स से कैंसिल हो गए यहाँ पे ग्राम ग्राम रह गया, 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 158 के साथ क्या है 15.8 ग्राम, ये हमें पता है मास ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ पोटेशियम मैग्नेट का क्या आ गया मास, वो मास का यूनिट भी क्या होता है ग्राम। इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी सब्सटेंस का क्या है मास फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें मास दिया गया है तो हम इसके क्या है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। ये थी आपकी एग्जाम्पल नंबर 1.3 और आपका ये 1.5.1 एक टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा, उसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि मोस्टली फार्मूलाज बताऊंगी जिसकी मदद से आप क्या है फाइंड कर सकेंगे किसी भी नंबर ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल्स को उसको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।